જય શ્રી કૃષ્ણ વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે આપણા પાઠમાં હિન્દીમાં તમને સમજાવવાનું છે, એમાં આપણે આગળ વધીએ. બરાબર છે? પાઠ છે સવાલ બાલ માનસ કે જવાબ ડોક્ટર કલામ કે. તો યે પાઠ આપકો યે હમારે ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ હે ઉનકે બારે મેં યે સવાલ જવાબ જો આપ જૈસે છોટે છોટે બચ્ચો કે મન મેં જો સવાલ ઉઠતે હૈ હમારે ભારત દેશ કે લિયે ઉન ઓર હમારી સમસ્યાઓ કે બારે મેં યે પાઠ આપકો દિખાયા ગયા હૈ. યે પાઠ આપકે કિતાબ મેં 7-8-7 પહેલે કા હૈ, ઇસલિયે અભી કા જો 2020 કા હૈ ઉસકી જો સમસ્યા ઉસકે બારે મેં ભી ઇસમેં કહા ગયા હૈ. ઉસમેં પહેલા પ્રશ્ન હૈ, ચેન્નઈ કે અરવિંદ નામ કે બાલક ને કહા હૈ કે આપકી યાદગાર ઘટના. તો કલામ જી કહેતે હૈ કે હા, મેરી ઇતની પઢાઈ હુઈ ઉસમેં મુઝે એક રામેશ્વરમ કે સમુદ્ર તટ પર જબ હમારે અધ્યાપક હમે લેકે ગયે ઓર પુસ્તક કે માધ્યમ સે હમે જબ પઢાયા તો નહીં સમજ મેં આયા ઓર ઉસ તટ પર હમે જાકે જબ બતાયા ગયા કે એક પક્ષી કિસ તરહ સે અપની પંખ ફેલા કર ઉડ સકતા હૈ યે મુઝે આજ તક યાદ હૈ. યે ઘટના મુઝે બહોત યાદ હૈ. નાગપુર કે દૂસરે એક विद्यार्थी का सवाल है, सरयू नाम का वो विद्यार्थी है, वो बोलता है कि भाषा का महत्व. तो कलाम साहब कहते हैं कि हाँ, हमारा जब हम छोटे हैं तो माध्यमिक कक्षा तक का हमारी पढ़ाई हमारी मातृभाषा में ही होनी चाहिए. आगे जाके अब हम इंग्लिश हिंदी जो भी भाषा चाहे वो कॉलेज में अगर चाहो तो इंग्लिश में आप पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि हम जो सोचते हैं वो हमारी मातृभाषा में ही सोचते हैं. इसलिए वो बोलते हैं कि मातृभाषा
दूसरा भारत जनसंख्या उसकी बहुत ही ज्यादा है, ये एक बहुत ही बड़ा कठिन प्रश्न है। बड़ौदा से अर्श, 2030 में भारत विकसित देश कैसे बनेगा? तो वो बोल रहे हैं कि कलाम जी ने कहा कि 2030 में भारत विकसित देश इसलिए होगा कि अभी मैंने बोला था आप लोगों को कि ये जो किताब है जिसमें ये इकाई आपके लिखी है वो 5-7-10 वर्ष पहले की है। तब तक हमारे युवा वर्ग का उसमें समावेश करके बोला था कलाम जी ने कि 57% युवा वर्ग है तो वो आगे बढ़ेगा और हमारा भारत विकसित देश बन जाएगा और वो विकास की अपनी सबकी सोच लगाकर इतना विकास करेगा कि हमारा भारत एक सबसे आगे अमेरिका की तरह आगे बढ़ेगा। बेंगलुरु में कार्तिक नाम का लड़का है, वो बोलता है आर्थिक समस्या ये हमारे सबके सामने है। अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है, सबके घर में इतनी आर्थिक स्थिति सदर नहीं है कि वो बन सके, तो हमारे देश में अभी तो ऐसा भी है कि हमारी भारत सरकार जो लोग अच्छी पढ़ाई करना चाहते हो उसे आप चाहो तो स्कॉलरशिप, शिक्षावृत्ति, शिष्यवृत्ति ये सब देता है और जिसके बारे में आप सोचो उसके बारे में आपको सहायता देता है। अगर आप अलग से कोई कारोबार चालू करना चाहते हैं, कोई शिक्षा में आगे बढ़ना चाहता है, तो सबके बारे में आज हमारा भारत इतना आत्मनिर्भर बनने के लिए सबको सहाय करता है। तो वो बोलते हैं कि आर्थिक स्थिति या कोई भी प्रॉब्लम आए पर हमें हमारे दृढ़ निश्चय में डटे रहना चाहिए और उसे से आगे बढ़ना चाहिए। अब चेन्नई के नंदिता महिलाओं की भूमिका, वो बोल रही है कि हम महिलाएं कौन से फील्ड में आगे जा सकती, तो कलाम जी ने
आज माटे जय श्री कृष्ण। हवे पछी आपणे फरी मळीए અને ગ્રામરના ટોપિકમાં આગળ વધીએ। જય શ્રી કૃષ્ણ દીકરા।